हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। पहला अपडेट है बहरेन से। बहरेन ने अपना आज ट्रेवल गाइडलाइंस अपडेट करा है, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि अगर हम वापस नहीं गए सऊदी अरेबिया तो क्या लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे, इंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जवाजात ने एक ट्वीट करा है, किसी ने एक सवाल पूछा था उनको, तो उन्होंने ट्वीट में उनको आंसर दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। और वीज़ा एक्सटेंशन से रिलेटेड जितना भी अभी तक का अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो जो पहला अपडेट है बहरेन से, बहरेन ने अपना ट्रेवल गाइडलाइंस अपडेट करा है, आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, जो रेसिडेंट हैं बहरेन के रेसिडेंट हैं वो अभी बहरेन जा सकते हैं। पहले भी यही था, जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और बाकी लोगों के लिए जो नॉर्मल वीज़ा कैटेगरीज थे बहरेन के, उनके लिए 26 जून तक सस्पेंड था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 2 जुलाई तक कर दिया है। तो अब नॉर्मल कैटेगरी वाले जो जुलाई तक नहीं जा सकते, उसके बाद क्या अपडेट होगा वो मैं आगे आप लोगों को जैसे ही मुझे पता चलेगा वो बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन करे हैं इंटरनल, वो इसीलिए कि कोरोना के केसेस, जो उन्होंने लिखा है गाइडलाइन में वही बता रहा हूँ, कोरोना के केसेस कंट्रोल हैं, तो बहुत सारे इंटरनल जो रेगुलेशंस है वो रिलैक्स करे हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बहरेन 2 तारीख को खोलता है या नहीं खोलता है नॉर्मल विजिटर्स के लिए। और आपको पता होगा दुबई ने 3 कंट्रीज़ के लिए जो फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट है दुबई का, उनको भी ओपन करा था, लेकिन फिर कल उन्होंने नाइजीरिया को सस्पेंड कर दिया है। ओके, लेकिन जो साउथ अफ्रीका है और इंडिया है उनके जो रेजिडेंट है, दुबई के रेजिडेंट है, वो 23 तारीख से, कल 23 जून से, 23 जून से जा सकते हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट। बाकी जो नॉर्मल वीज़ा वाले हैं उनके लिए 6 जुलाई तक अभी तक सस्पेंशन है। ओके, ये एक अपडेट था। और दूसरा आप लोगों को मैं क्या बताने वाला था, हाँ, अगर आप इंडिया में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस सऊदी नहीं जाऊंगा तो लाइफ टाइम सस्पेंड हो जाऊंगा या नहीं, तो जवाजात में किसी ने यही सवाल पूछा था इसी टाइप का, तो उन्होंने उस पर एक आंसर करा है कि आप लाइफ टाइम बैन नहीं होंगे। शायद उन्होंने पूछा था कि अगर मैं सऊदी वापस नहीं जाऊँगा, री एंट्री में आया हूँ अपने कंट्री लेकिन सऊदी वापस नहीं गया, तो क्या मैं 3 साल के लिए बैन हो जाऊँगा। तो उन्होंने ये बताया है कि आप 3 साल के लिए बैन नहीं होंगे, लेकिन आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि आप अपने पिछले कंपनी में ही आ सकते हैं उनके वीज़ा में। ओके, और अगर आपने नया जो लेबर लॉ है उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने ये बात क्लियर कट करा है कि जो भी लोग एग्ज़िट री एंट्री में जाएंगे अपने कंट्री और आपका कंपनी आपका वीज़ा नहीं बढ़ाता है तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। तो ये ट्वीट से ये पता चलता है कि आप वापस सऊदी आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने उसी कंपनी में आना पड़ेगा, उसी कफिल के स्पॉन्सरशिप में आना पड़ेगा जिसमें आप पहले थे। ओके, तो ये था अपडेट। और तीसरा मैं आपको बताने वाला था वीज़ा एक्सटेंशन से रिलेटेड। अब तक जिन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है उनका वीज़ा या तो 2021 में एक्सपायर हुआ था, ओके, उन्हीं लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है। बाकी जिन लोगों का 2020 में एक्सटेंड हुआ एक्सपायर हुआ था, उन लोगों का अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। उन लोगों का कैसे एक्सटेंड होगा, अभी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है। क्या पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बताना बहुत ही जल्दीबाजी होगा। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं अपने कंपनी को बोल के। तो इसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ, आज रात इसके ऊपर मैं काम करूँगा और एक डिटेल सा आउटलाइन आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक और कैटेगरी था जिनका वीज़ा एक्सटेंड होने वाला था 31 जुलाई तक, वो था अनयूज्ड वीज़ा, जो वीज़ा स्टंप हो चुका है लेकिन वो COVID-19 के रिस्ट्रिक्शन के वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों का भी वीज़ा एक्सटेंड होना था। लेकिन अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि किसी का अनयूज्ड वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हुआ हो।
अगर होगा, मुझे लगता है होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे वो अपडेट कर रहे हैं सिस्टम को, तो जैसे ही किसी का अपडेट होता है तो मैं उनसे पूछूंगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। ओके, और न्यू वीडियो के बारे में मैंने बता दिया है कि जो जिनका 2020 में एक्सपायर हुआ था लेकिन इकामा वैलिड है, वीज़ा एक्सपायर हुआ था, तो उसको क्या कैसे वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और जिस तरह से मैं हर दिन ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का जो कमेंट्स है उसको ऑडियो में आंसर करने का, तो आज रात भी कंटिन्यू करूंगा वही प्रैक्टिस को। थोड़ा लेट हो जाएगा, 11:30 बज जाएगा रात का, तो जितने भी आपने मुझसे सवाल पूछे हैं पिछले वीडियो में उसको मैं आपके सवाल को पढ़ के जितना मुझे पता है कोशिश करूंगा कि आंसर करने के लिए। ओके, और एक आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा, आप चाहे अपने सोशल मीडिया में किसी को भी आप फॉलो करते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो तो उसे पूरा पढ़िएगा। अगर किसी का वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, उससे क्या होगा, आपको एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, और आपके मन में जो सवाल होगा तब आप पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, इसको अलग वे में मैं अगर बोलूँ तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होता है, या तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना हो या तो पूरा हो। ओके, तो आप इस बात का ख्याल रखिए, मेरा ही वीडियो नहीं किसी का भी अगर आप देखते हो तो पूरा और कंप्लीट देखिएगा। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ वो वीज़ा एक्सटेंशन वाला वीडियो के साथ आऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक उसे रिलीज़ करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, कुछ अपडेट्स है तो कमेंट में बताइए ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच।